नमस्कार दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने निकल के आ रही है। राजस्थान सरकार ने न्यू वैकेंसी जितने फॉर्म भरे गए थे, जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको भी रद्द कर दिया गया है। आरएसएम बोर्ड के द्वारा भी स्टेनोग्राफ है, इन्वेस्टिगेटर का है, पुस्तकालय के विभाग का है, ये सारे परीक्षाएँ रद्द हो चुकी हैं। तो ऐसी कुछ सूचना आपके सामने आ चुकी है और बिल्कुल प्योर ये सूचना है, ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो क्या होगा, कैसे परीक्षा होगी, अच्छी खबर है ये, बुरी खबर, तो सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करूँगा। तो हमारे राजस्थान सरकार के अंदर आप जानते हो एक आरपीसी और आरएसएम भी बोर्ड जो है ये परीक्षाएँ आयोजित करवाता है, गवर्नमेंट परीक्षाएँ आयोजित करवाता है। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया है, इन दोनों विभागों को एक पत्र जारी कर दिया है और उस पत्र में क्या लिखा है मैं डिटेल से आपको सब बताने वाला हूँ, मेरे पास है वो। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये बोला गया है कि अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एमबीसी, यानी अति पिछड़ा वर्ग, जिसको पहले 1% आरक्षण था, पहले 1% आरक्षण भर्ती के अंदर, अब 1 से लेकर उसे 4 की बढ़ोतरी करने के बाद में 5% उसको आरक्षण मिलेगा, यानी अब पदों में उसको 5% आरक्षण मिलने वाला है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के स्वर्णों को, सिर्फ मैं बात की किसकी कर रहा हूँ यहाँ पे, स्वर्ण जाति की कर रहा हूँ, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है स्वर्ण जाति की, उनको 10% आरक्षण मिलने वाला है, जो पहले नहीं दिया गया था। तो इसी की वजह से भर्तियाँ अटक रही थी, पीछे दिक्कत आ रही थी बोर्ड को भी एग्ज़ाम करवाने के अंदर। बात को ध्यान से समझना, कोई डाउट नहीं होगा आपका इस वीडियो के बाद में, कि सबसे पहले मैं उन भर्तियों की बात करूंगा जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जैसे एक एलडीसी का है जिसकी टाइपिंग टेस्ट अभी बाकी है, ठीक है, जिन जो परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं और जिनके रिजल्ट आने वाले हैं या आ चुके हैं और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं, तो उन परीक्षाओं में क्या करवाया जाएगा, उन परीक्षाओं में के अंदर आरक्षण 5%, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि ये आरक्षण की वजह से अन्य वर्ग तो बाधित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, सरकार ने कार्मिक जो विभाग है आयोजित करवाने वाली परीक्षाएँ जो बोर्ड है उनको बोला गया है कि स्पष्ट रूप से आप जो 5% आरक्षण जो कमज़ोर वर्ग को दिया गया, अति पिछड़ा वर्ग को दिया गया और 10% जो स्वर्णों को दिया गया, उसके पद आपको बढ़ाने होंगे, ठीक है, उनके अंदर पदों की बढ़ोतरी की जाएगी और उन्हीं के बेसिस के ऊपर जो आगामी जो रिजल्ट आ चुका है उनकी प्रोसेस जारी रहेगी। ये नहीं है कि आपके पीछे 10,000 पोस्ट थी तो उसी के बेस के ऊपर उनके अंदर आरक्षण आपको दिया, इससे क्या होता है अन्य वर्ग जो है वो प्रभावित होगा, जिसकी वजह से वो कोर्ट में चले जाएंगे भर्तियों को लेकर, भर्ती फिर से अटक जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल देना, जो स्टूडेंट जिनके एलिजिबल हो चुके हैं, जिनके टाइपिंग टेस्ट बाकी, जैसे एलडीसी का है, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पदों के अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, आपके जितने वैकेंसीज थी जितने पदों के उतने ही रहनी है, सिर्फ एक्स्ट्रा पद और इंक्लूड किए जाएंगे उनके आरक्षण के तहत, ठीक है। अब 2 नंबर की बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसी परीक्षाएँ जो अभी तक आयोजित नहीं की गई है, जैसे स्टेनोग्राफर है, इन्वेस्टिगेटर है, पुस्तकालय की है और फर्स्ट ग्रेड की है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की अभी डेट पीछे रिजल्ट वो आया था, आपका टाइम टेबल आ चुका था एग्ज़ाम का, लेकिन अब वो रद्द कर दी गई, बिल्कुल 100% रद्द हो चुकी है वो भर्ती। अब उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो भर्तियाँ अभी तक सुचारू, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए, उन भर्तियों को रद्द किया जाएगा, दोबारा से विज्ञप्ति निकाली जाएगी, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा भारत सरकार द्वारा, ये जो भी विभाग परीक्षा करवाएगा उसके द्वारा, और पदों के अंदर बढ़ोतरी भी की जाएगी, जो आरक्षण दिया गया है 5% और 10% जो आरक्षण मिला है उनके पदों के अकॉर्डिंग भर्ती करवाई जाएगी, ठीक है। अब इसमें कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, देखो जिन्होंने फॉर्म पहले से भर रखा है उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ सूचना उसके अंदर, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आई थिंक मेरे हिसाब से पीछे जिसका बीएड का रिजल्ट नहीं आया था वो एलिजिबल नहीं था फर्स्ट ग्रेड के लिए, लेकिन वो अब एलिजिबल हो चुका है रिजल्ट आने के बाद में, तो वो फार्म बिल्कुल भर सकता है, तो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और जो तैयारी कर रहे थे बिल्कुल एक किनारे पे थे, तैयारी 100% उन्होंने तैयारी कर रखी थी, बिल्कुल किनारे पर थे, तो थोड़े सी उनको निराशा हाथ लगी होगी कि भाई एग्ज़ाम रद्द हो गया,
लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ये सारा कुछ सारी प्रोसेस करवा दी जाएगी, जल्दी ही, ऐसा कुछ नहीं इसको लेट किया जाएगा, शीघ्र विज्ञप्ति जारी होगी, आपको पढ़ना छोड़ना नहीं, आप तैयारी लगे रहें, दिन रात मेहनत करनी है, जल्दी से जल्दी इसके विज्ञप्ति आपकी आ जाएगी और पद इसके अंदर बढ़ाए जाएंगे, दोबारा से फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा, आगामी भर्तियां जितनी भी, जैसे पटवारी की है, ग्राम सेवक की है, रीट की है, कांस्टेबल है, एसआई है, जितनी भी भर्तियां राजस्थान में आगामी होने वाली है आएंगी, उनके अंदर यही प्रोसेस रहेगी। उनके अंदर आपको 5% आरक्षण तो अति पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा और 10% आरक्षण स्वर्ण जाति के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको दिया जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि आपके पदों से छेड़छाड़ की जाएगी, जितनी वैकेंसीज होगी वो उनके पदों को इंक्लूड करके ही आपसे भर्ती करवाई जाएगी। तो नो डाउट आगे जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जो न्यू भर्तियां आपके आने वाली है, उनमें अब कोई इस आरक्षण को लेकर, इस आरक्षण के मुद्दे से को लेकर अटकेंगे नहीं, कोर्ट में नहीं जाएंगी। पीछे यही दिक्कत आ रही थी, बार बार आरएसएसएमबी बोर्ड और आरपीसी ने लेटर लिखा भारत गवर्नमेंट राजस्थान सरकार को कि भाई हम कैसे भर्ती करवाएं, आरक्षण को कैसे सेट करें, हमें इसका हल दो। तो फाइनली इसको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, ये लागू हो चुका है, नए सिरे से भर्तियां होंगी। जिनका रिजल्ट आ चुका है एक बार फिर सुन लेना, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनके पदों के अंदर बढ़ोतरी करके ही उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, अन्य वर्ग के पदों से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं होगी। इस प्रक्रिया से क्या होगा, बाधित नहीं होगी आपकी परीक्षा। उसके बाद में जिनका पेपर नहीं हुआ है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, पुस्तकालय है, स्टेनोग्राफर है, ये पद रद्द कर, सॉरी ये वैकेंसी रद्द कर दी गई हैं, दोबारा से शुरू से फॉर्म फिल किए जाएंगे। जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखे थे उन्हें दोबारा से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर भरना चाहे तो भर सकता है, कोई भी सूचना अगर चेंज करना चाहता है तो। और जो नए बच्चे आएंगे वो भी फॉर्म, जिन्होंने पीछे नहीं भरा था, छूट गया या किसी वजह से, वो भी आप भर सकते हो। एक बात और बताऊँगा, यहाँ एज की बात आएगी, कोई बच्चा है जिसने 2 साल पहले फॉर्म भरा था, वो अब नए सिरे से अगर भरना चाहे तो वो ओवर हो जाएगा। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ आपको ध्यान से, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है विज्ञप्ति के अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या, कि आपने पहले फॉर्म भरा था उसके अंदर आप एलिजिबल थे, अब भर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हैं उसी फॉर्म को, लेकिन आपका वही माना जाएगा जहाँ जब आपने फॉर्म पहले भर रखा था आप उस टाइम एलिजिबल थे, तो वही क्राइटेरिया जो आपका माना जाएगा, आप एलिजिबल होगी। ये नहीं कि आपने पीछे कोई फॉर्म भर रखा नहीं था, नए सिरे से भर रहे हो और आप एलिजिबल नहीं हो, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, पहले से आपका फॉर्म फिल होना चाहिए उस वैकेंसी के अंदर, वो चीज़। तो इस हिसाब से क्या होगा, पुनः सभी फॉर्म भरे जाएंगे, सारा कुछ होगा और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आरक्षण के मुद्दे के लोग भर्तियाँ बिल्कुल अटकेंगी नहीं आगे, तो अब तैयारी लग जाइए, भर्तियों की भरमार होने वाली राजस्थान के अंदर, अच्छे से तैयारी करें। आई थिंक आप, मैंने जो सूचना दी आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, कि 5% आरक्षण किसको दिया गया है, अति पिछड़ा वर्ग को दिया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण को 10% आरक्षण दिया गया है। इनके पद सर्जित किए जाएंगे एक्स्ट्रा से, उसके बाद ये वैकेंसी होगी। जिनका पेपर नहीं हुआ, जिन परीक्षाओं का पेपर नहीं हुआ है, उनके फॉर्म भी दोबारा भरवाए जाएंगे, उनकी न्यू वैकेंसी डिक्लेयर की जाएगी, उनका नोटिफिकेशन, एक नया नोटिफिकेशन आएगा, दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, दोबारा से परीक्षा होगी पद बढ़ाकर। एक बात याद रखना, जिनकी परीक्षा रिजल्ट आ चुका है, टाइपिंग टेस्ट बाकी है, जो प्रोसेस बाकी है, जैसे आरएस का प्री हो चुका है इस हिसाब से, ठीक है, तो वो दोबारा से फॉर्म भरे नहीं जाएंगे, उनके अंदर पद बढ़ा दिए जाएंगे और उसके बेस के ऊपर परीक्षा आगे करवाई जाएगी। तो ये सब कुछ है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नो डाउट फिर भी कोई चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये थी एक छोटी सी सूचना, अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है, लेकिन ऑल ओवर ये अच्छी खबर ही है सबके लिए। नई वैकेंसी आएगी क्योंकि वो अटकेंगे नहीं, तो अच्छी तरीके से वो कंप्लीट हो जाएंगे, यही बहुत अच्छी खबर होती है, क्योंकि परीक्षाएं पीछे काफ़ी सालों से अटक रही है, कोर्ट में जा रही हैं आ रही हैं, ये कुछ जिसकी वजह से बाधित हो रहा है हर वर्ग का स्टूडेंट, तो लगे रहें। और फर्स्ट ग्रेड की जो बात है, जो भी आगामी परीक्षा होने वाली थी अगले मंथ, तो चिंता कोई बात नहीं, जल्द ही वो भी करवा दी जाएगी, दोबारा से फॉर्म बढ़ाए जाएंगे और आरक्षण के ऊपर जो प्रोसेस रहेगी वो सब कुछ रहेगी। तो नो डाउट कोई वर्ग बाधित नहीं होने वाला है, सबके वही पद हैं जो पहले थे, सिर्फ नए आरक्षण मिला है तो नए पद भी सर्जित किए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मित्रों ये थी एक सूचना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट को ये चीज़ें क्लियर हो पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।